कहानी है एक गांव में रह रही वृद्ध महिला सरस्वती की। सरस्वती अपने घर में अकेली रहती थी। उसका बेटा मोहन उसे छोड़कर कुछ पैसे चुराकर शहर भाग जाता है। सरस्वती अपना जीवन चलाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी। सरस्वती के पड़ोस में भी एक महिला मिट्टी के बर्तन बेचा करती थी, लेकिन उसके इतने बर्तन नहीं बिकते थे जितने कि सरस्वती के। तो वह सरस्वती से खूब जलती थी, लेकिन सरस्वती बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव की औरत थी। यही कारण था कि ज़्यादा ग्राहक सरस्वती के यहाँ बर्तन लिया करते थे। एक दिन की बात है, सरस्वती की पड़ोसन उसकी दुकान में ग्राहकों को देखकर अपनी नौकर से बोलती है, अरे ओ रामू, देख तो कितने सारे ग्राहक है उसके यहाँ पर, और हमारे यहाँ देख हम खाली बैठकर बस यहाँ मक्खी मार रहे हैं। अरे मालकिन, ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है। सरस्वती एक नेक दिल महिला है, जब भी उसके पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं। ता? क्या बोला तू, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या जो मेरे यहाँ ग्राहक नहीं आते? मालकिन बुरा मत मानना, लेकिन आपने मेरी 2 साल से कोई पगार नहीं बढ़ाई है और 1 महीने से तो पगार ही नहीं दी है, तो आप अच्छी कैसे हुई? क्या कहा तूने, तेरी जवान कुछ ज्यादा ही चलने लग रही है। अरे मालकिन माफ करें, मैं बस थोड़ा होश खो बैठता हूँ। उन्हें आपको होश में रखा कर, नहीं तो सारे होश ठंडे कर दूंगी तेरे। यहाँ मैं इस बुढ़िया से परेशान हूँ और तू मेरा दिमाग गरम कर रहा है। इस बुढ़िया को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ के आने के लल्ले पड़ जाएंगे। तती की पड़ोसन बहुत ही क्रूर स्वभाव की औरत होती है और हर वक्त सरस्वती का काम कैसे बंद किया जाए वह सोचती रहती है। एक दिन पड़ोसन सरस्वती के यहाँ आती है और उसे बोलती है, अरे सरस्वती, तुम्हारे यहाँ इतने ग्राहक क्यों आते हैं और मेरे पास बहुत ही कम, ऐसा क्यों है? जी मैं ये कैसे बता सकती हूँ, मैं भी आपके जैसे ही मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ। मेरे काम करने के तरीके में कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। तुम यह दुकान अपने कहीं और लगा लो, इस जगह से 2 से 3 किलोमीटर दूर, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। मुझे माफ करो बहन, पैसे कैसे, मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा सकती हूँ और दूर मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा घर ही यही है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? तुम मेरा ये ऑफर ठुकरा रही हो, तुम बहुत पछताओगी, याद रखना। जी भगवान ने अगर मेरी किस्मत में दर्द लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करूंगी, और अगर खुशी लिखी है तो मैं उसे भी स्वीकारूंगी। सरस्वती की पड़ोसन यह सुनकर वहां से चली जाती है और अपने दुकान पर आ जाती है और रामू से बोलती है, अरे ओ रामू, उस बुढ़िया का कुछ कर, उसने मेरा ऑफर ऐसे ठुकरा दिया जैसे 10,000 रुपए कुछ है ही नहीं उसके लिए। जल्दी से कुछ सोच उसका, मैं उसे अपनी नजरों के सामने देख नहीं पा रही हूँ अब। मालकिन आपका हो तो बल का प्रयोग करूँ, जहाँ प्यार हार जाता है वहाँ बल ही काम आता है, भगा दूँ उस बुढ़िया को इस गांव से। अरे मूर्ख, बल का प्रयोग करेगा तो सारे गांव वाले हमें ही भगा देंगे इस गांव से। बल के बाद आती है बुद्धि, उसका प्रयोग करेंगे हम। मेरी बात सुन, तू रात में जब सब सो जाए तो उस बुढ़िया के सारे बर्तन और बर्तन बनाने वाले सब कुछ को तोड़ दियो। वाह मालकिन, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। पड़ोसन के कहने पर रामू रात में सबके सोने के बाद गया और सारे बर्तन धीरे धीरे करके तोड़ने लगा। गांव में काम से घर जाते हुए एक आदमी ने रामू को यह सब करते हुए देख लिया। अगले दिन होता है, सरस्वती सब कुछ टूटा देखकर बहुत रोने लगती है। वाह रामू वाह, तू तो बहुत ही कमाल निकला, तूने तो सांप भी मार दी और लाठी भी नहीं टूटने दी, आज ही मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगी। धन्यवाद मालकिन। रात में जिसने रामू को बर्तन तोड़ते देखा था वह व्यक्ति आता है और सरस्वती और सबको बताता है। सब गुस्से में शकुंतला के पास जाते हैं और गुस्से में वह व्यक्ति बोलता है, मैंने रामू को रात में सब कुछ तोड़ते हुए देख लिया था। सब लोग गुस्से में उसकी दुकान के सारे बर्तन तोड़ देते हैं और रामू को बाहर निकाल कर मारते हैं। पड़ोसन बोलती है सरस्वती को, री बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं आपको सारे पैसे दूंगी, कृपया करके इन सब से बोलो ये रुक जाएं। अरे आप सब रुक जाइए, यह सब करने की जरूरत नहीं थी, आप सब अपने घर जाइए। शकुंतला को अपने किए पर पछतावा होता है, वह सारा पैसा सरस्वती का वापस कर देती है जितना भी उसका नुकसान होता है।
यह कहानी हमें सिखाती है, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद उसमें गिर जाएंगे।